तेल लाने को जिसको नहीं मिला रहा गाड़ी बहुत
खाता है वो यहाँ से ये कारोबार होना उतना आसान नहीं है, कारोबार होना आसान नहीं है, बाकी लोग का आसान नहीं है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत करके पसीना आता है। तो आज आप देख रहे हैं हमारे मित्र हमारे जो भाई हैं खुशी भी है, मुझे तो अपने दुख भी है, खुशी भी है। हर कर्मचारी चाहता है कि हम अपने घर के नजदीक बहुत सारे बात भी है और वही एक साथ साथ जो है घर के नजदीक जगह भी वहाँ आए। कितने लोगों के साथ जो हमें लोग हैं, कितनों के साथ हम रहे, लेकिन हर आदमी का व्यवहार मैंने कारोबार का वो देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बहुत कभी बोलते हैं लोग साथ में बहुत बोलते। आज आप जब आए थे, जब उनके आने के बाद उनकी कार्य से भी देखने भी पहले बच्चों को सब कैसा होता था, ये जो है इतना इस तरीके से कार्य नहीं किया, लेकिन जब हमने देखा दस लोग तो इतना सर पकड़ों को आप बहुत बहुत किया था। मैं स्टाफ के बारे में बोल रहा हूँ, बहुत से धन्यवाद।
अपना कार्य हमेशा करते रहते हैं, मुसीबतें आते रहेंगी, लेकिन प्यार मोहब्बत से अगर आप सब लोगों के साथ चलेंगे तो ये सफर भी बहुत बेहतरीन रहेगा। आप लोगों के साथ ही वो रहे भी हैं तो आप लोग भी जानते हैं मेरी मम्मी अब भगवानी रहती है, इसी इसी कारण था मुझे इस क्षेत्र को छोड़ने जाना पड़ा, तो वो अकेले रहे और उनका भी एक अलग दुख है मेरे वास्तव, जैसे हर एक ने जो छाया जा रहा है चाहिए करके सबसे बड़ा दुख कर ही नहीं चल रहा है, तो बाकी जाने मकान जाने ऊपर वाले जाने क्या हो गया है, परिवार वालों को बुलाया नहीं जाता, खबर पहुंचानी चाहिए वो खुद पहुँचा रहे हैं, सही है आप परिवार है, मैंने कभी आपको अपने परिवार से बाहर नहीं समझा, ये शायद अगर आपको महसूस हुआ होना होगा लेकिन मैंने हमेशा समझा कि जो मेरे बुजुर्ग थे वो चाहे मेरे से पद में छोटी नहीं लेकिन वो मेरी दीदी रही है, जिसमें एनम रह गया है वो सब मेरी दीदी रही है, अब मैं किसी माई की नहीं कह सकता सब मेरी दीदियाँ हैं, और मैं पद में उनके सामने तो मैं जब आया था मैं बहुत छोटा था, अब समझ लीजिए मैं जब आया 2026 में मैंने यमुना ज्वाइन किया जब मैं 26 साल का था, 27 में मैं यहाँ आ गया, 27 के लगभग 26 में मैं आया, तो अब इस छोटी सी उम्र में जैसे अभी आए सब उनमें मुझे ये सारी दीदियाँ मिली, कपूरी जी मिले, हमारे मनोज कोरंगा जी मिले, ये मेरे पुराने कर्मचारी जो हमें धीरज जी मिले, रवि ये सब लोग ऐसे पुराने कर्मचारी, और हमारी एनम महंगी है तो कई रिटायर हो चुकी हैं और कई अभी भी एग्जाम हैं यहाँ पे और पुराने फार्मासिस्ट हैं, जिसमें से हमारे अभी वैभव अभी मेरा मन शाही जी ने मेरे साथ 3 साल वहाँ व्यक्ति विद्यालय बताया हमें बताया, और पुराने आदेश में जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनके साथ मैंने कई पूजा करी है, और हमारा वो समय भी था जब हमने घास पकड़ के रोड क्रॉस भी पहाड़ भी क्रॉस करे हैं, नदियाँ भी क्रॉस करी है, और क्या समंदर है क्या गोविंदा है क्या तालाब है टापरी है क्या अलग किसी को याद हुआ पिंडारी के वो 5-6 दिन जब हमारे थे तो वो दिन, तो ये सारी यादें मैं जो समेट कर जाऊँगा वो बहुत ही अमूल्य है, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा कैसे मैं कीर्तिमान ही कहूँगा कि जो मैंने आप लोगों के पास सपोर्ट मांगा है वो दिया है, हमेशा रहेगा ये यादें कभी नहीं जाएंगी और आप लोगों का प्यार कभी नहीं जाएगा मेरे से कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, हर एक बात को अगर मैं बताना चाहूँ तो ये घंटा भी कम हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि मुझे किसने क्या प्यार दिया किसने कहते ये तो मेरे पर कहने का मैंने सब भी नहीं कर पाएगा, आप लोगों ने मेरे को इतना दिया कि आज मुझे ऐसे विदाई दे रहे हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे ऐसी विदाई देगा, क्योंकि मैं छोटे से एसी का ही था MIC बनना है इस समय डॉक्टर आवा जाते थे तो मेरे इतना बड़ा गोल था कि कैसे हो गई सपोर्ट को, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक ताज नहीं है इस आटो का ताज ये मैं मना नहीं कर रहा कि बहुत बड़ा ताटो का ताज है, जिसमें एक कर्मचारी जब अपनी मुट्ठी को सोचे तो वो अपनी सोचे कि मैं बैठ रहा हूँ मुझे कितनी दिक्कत है, तो आप समझ लो आपके ऊपर बैठ रहा है उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत, लेकिन आपने वो दिक्कत होने नहीं दी, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने वो दिक्कत होने नहीं दी, जहाँ मैंने मदद मांगी जहाँ मैंने आपसे साथ मांगा आप सबने भरपूर साथ दिया, तो इसलिए ये मत कीजिए कि मैं ऐसा था आप लोग ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा हुआ है, तो मैं आप सभी का बता रहा हूँ और छवि रखता हूँ और मेरी अपेक्षा है जो छोड़ के जा रहा हूँ ये ऐसा बना रहे जिससे और बेहतर बने, डॉक्टर ब्रजेश अब आके नए MIC हैं, थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि वो नए हैं क्योंकि वो भी अभी एसी से आए हैं, उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरी ओर से वैसे आपसे ये उम्मीद और आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका भी उसी तरह साथ ही देगा जैसा मेरा साथ दिया, ये कि वो ब्रजेश है ये पद है
ये प्रभारी का पद है और प्रभारी पूरा ब्लॉक को संभाल रहा है और ब्लॉक अगर संभाल रहा है आपके साथ तो हमारा एक कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का एक अलग नाम होगा तो ब्लॉक का नाम होगा सिर्फ डॉक्टर विजेश का नाम नहीं होगा ना मेरा नाम था डॉक्टर जितेश को याद ही रखेंगे डॉक्टर जितेश कुमार एम आई सी का कोर थे वो क्यों थे क्योंकि मेरी पूरी टीम मेरे साथ और टॉप पे बैठे हुए डॉक्टर ये सब एक चेन है जिसमें सभी लोग इंक्लूड है आशा हो गई अब हमारी सी एच ओ आई है एडम है हमारे फार्मासिस्ट हैं हमारे डॉक्टर्स हैं हमारे लैब टेक्नीशियन हैं हमारे शिक्षक हैं हमारे पर्यावरण जो है ये सब तो मैं आभार व्यक्त करूँगा ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले कुछ किया है अकेले कोई जनाब हार्ट खोलने वाला मैं इतना 30 बार काम तो था नहीं वो आप लोग के साथ ही मेरे साथ हुआ तो मैं ये कहूँगा कि ये प्यार मोहब्बत जो दिया आप लोगों ने जो इज्जत दी है और जो आज जो दे रहे हैं बहुत ही भावपूर्ण भी है आप क्या कह सकते हैं कि मैं सब कुछ पहले मैं अंदर से जब आप लोग बोल रहे थे ये कहते हैं अंदर ही अंदर मन भर रहा है लेकिन इसको व्यक्त कर दूंगा तो मैं यहाँ पर बहुत टूट जाऊँगा मैं टूट के नहीं जाना चाहता आपके लिए क्योंकि आपने मुझे कभी टूट तो देखा नहीं होगा चिल्लाते हुए जरूर देखा होगा तो मैं ऐसा नहीं कि रोना सभी को आता क्योंकि आप लोग का परिवार ऐसा है बहुत ही मैं चाहत रहा हूँ ये नई तरह में मैं यकीन कहता हूँ मैं बहुत मिस करूँगा अब मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं किस परिवार को छोड़ जा रहा हूँ लेकिन परिवार है और हमेशा जुड़ा रहेगा ये मेरी याद से अपेक्षा भी है और आपको मेरे भी अपेक्षा रखनी चाहिए कि डॉक्टर जितेश बिना बोले करके और मैं कभी फोन कर दूँगा और मैं भी क्या चाहूँगा कि डॉक्टर जितेश या जितेश कभी फोन करे तो उठा लें और बात कर लें दस सालों में जो आपने किया तो ये एक कहते हैं तो बहुत कम है लेकिन आप सभी के हर एक प्रयास का हर एक स्थान का मैं पुनः बहुत आभार व्यक्त करूँगा धन्यवाद आपके पास।
करो ये पदवाल दे रहे हैं आप भी सभा को संबोधित करेंगे हमारे डॉक्टर जितेश बॉस हमारे सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट महोदय कपोटी जी मेरे सीनियर्स मेरे जूनियर्स और समस्त स्टाफ ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बॉस मुझे पदभार दे रहे हैं पता नहीं कितना भारी है लेकिन अभी तक तो हल्का ही लग रहा है अपने जाने में क्या होता है बस उच्च अधिकारियों उच्च उच्च अधिकारियों का जो फोन आ रहा है उसके चक्कर में मेरी दिल की खराब हो चुकी है बाकी चार बजे उठ जाता हूँ चिंतन में ही लगा रहता हूँ अच्छा लग रहा है और आज बहुत खुश हो रहे हैं हमारे प्रभारी जी मेरे बॉस फट कुआ नाम की जगह जा रहे पता नहीं कितने हुए लेकिन मैं अपने बॉस से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ धन्यवाद पार्टी का तब तक गया हुआ था मैं सामान धन्यवाद कोई शादी थोड़ी चल रही है कि तू वीडियोग्राफी कर रहा है अरे आओ कोई भोजन करके लाओ भंडारा लगाए इधर पे खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से विदा क्या करें हम भरे इन नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से से दूर होके जहां पे भी जाना हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना आंखों से दूर होके जहां पे भी जाना हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना कमी आपकी तो सदा ही रहेगी कमी आपकी तो सदा ही रहेगी
दूर दूर हो के भी न दूर हो हमसे, विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से।